चुप हो जा। कुछ दिन से लगातार हम लोग कुछ ना कुछ बन ही रहा है ना। ओ भाई अच्छा अच्छा फिर भाई दो डॉगी है और एक आ गया है भैया। हाँ ये रहा चर्बी वाला पीस, ठीक है ट्राई करते हैं। तो भाई एक अच्छा सा साउथ वाला मूवी लगा लिया हूँ और खाना खा रहे हैं हम लोग दोनों साथ में, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ खाना खा लिया करना, मेरा इंतजार करते हैं जब मैं काम से आऊँगा उसके बाद ही खाऊंगा। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं तैयार होकर आ चुका हूँ पुलाया के ऊपर। दोस्तों आज ना सुबह सुबह एक दिक्कत हो चुका है, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होते ही रहता है। बाइक का जो पेट्रोल जो है ना वो खत्म हो चुका है, कल ही मेरे को पेट्रोल डलवा के आ जाना चाहिए था। मैं सोचा कि सुबह तक पहुँच जाएगा पेट्रोल पंप तक, लेकिन क्या ही बताऊँ स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट हो नहीं रहा है। लटपट मतलब कि पुलिया के ऊपर आ चुका हूँ, अभी चौक दबा के मेरे को जाना पड़ेगा। हालांकि अभी सुबह के 6 बज रहा है, हालांकि आसपास का जो दुकान जो है वो खुला नहीं है, ठीक है। और पेट्रोल पंप यहाँ से मतलब 7 किलोमीटर दूर है, देखता हूँ क्या होता है। हालांकि चौक दबा के ना काफ़ी दूर तक जाया जा सकता है, मेरा बाइक बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन क्या ही बताऊँ क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक मोटिवेट वाला कमेंट कर ही दीजिएगा। देखता हूँ आज कितना अर्न कर पाता हूँ और दिन भर मेरी कहानी क्या होती है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहेगा। चलिए चलते हैं, वो भी जा रही है मस्त अपनी मंजिल पे, मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस, ठीक है। तो भाई स्टार्ट हो जाना जल्दी से ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। चलो भाई पार्सल इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि बड़ा वाला पार्सल जो है ना अभी ले जाया नहीं जा सकता। इसको उतार देता हूँ, ठीक है, इसको बाद में ले जाऊँगा घर जाने टाइम ले जाऊँगा, क्योंकि बड़ा पार्सल के चलते बहुत सारा पार्सल अट नहीं रहा है। ये भाई तो निकल गया, मैं भी निकलता हूँ, अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ। एक जो बड़ा वाला पार्सल जो है ना उसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बाइक कैसे चलाऊँगा यार, सामने पर इतना बड़ा बड़ा लटका लिया। चलिए फटाफट डिलीवर मारूँगा, मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, साथ पानी गिर सकता है। तो भाई कितना बार इधर से गिर रहा है तो उधर से गिर रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था, हालांकि प्रीपेड पार्सल है, फटाक से देकर आता हूँ। हर दिन की तरह इसी कारण से आज भी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक पार्सल रहता ही है, ठीक है। मैडम पार्सल था, हाँ यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ ना दरवाजे के सामने। ओ भाई बाइक का तो लाइट चालू हो गया है, ऐसे ही सेल्फ काम नहीं कर रहा है, ठीक है बंद कर देता हूँ इसको। चलो चलते हैं। चुप हो जा। तो भाई यहाँ का एक पार्सल लेकर आया था और ये इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेकर आया था, ये रहा बच्चों का खिलौना, देख ही सकते हैं टोपी वगैरह सब कुछ है। पार्सल था, पार्सल जो है ना वो ख़त्म कर चुका हूँ और एक झोला का जो बचा है उसको ख़त्म करने के बाद फिर गोरी का पार्सल जो है उसको निकालूंगा, ठीक है। फिलहाल इस घर का एक पार्सल लेकर गया था, दो पार्सल, एक पार्सल प्रीपेड था और एक पार्सल सीओडी। चलिए अभी चलते हैं हॉस्टल। दोस्तों पार्सल लेकर आया था गर्ल्स हॉस्टल का, ठीक है। कस्टमर जो है कॉलेज चली गई है, अब बोल रही थी भैया आ जाइए हॉस्टल से, मतलब ठीक है आ रहा हूँ कॉलेज। हालांकि दो पार्सल है, दो पार्सल डिलीवर मारूँगा तो 24 रुपये मिल जाएगा। हालांकि लोकेशन यहीं का बता रहा है, हॉस्टल से कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज से फिर मेरे को यहाँ पर आना पड़ेगा डिलीवर करने के लिए, यही मेरी दिक्कत है, पता है लोकेशन पे डिलीवर मारना पड़ता है। चलिए चलते हैं फटाक से, आता हूँ, 24 रुपये का पार्सल है, दो पार्सल, ठीक है चलिए आते हैं फटाक से। तो कॉलेज आ गया था, पार्सल दे दिया हूँ, कस्टमर लेके जा रही है, फिर से जा रहा हूँ अभी हॉस्टल डिलीवर मारने के लिए, ठीक है चलिए चलते हैं। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वहीं पर मेरा घर है, पास में दिख रहा है जूम करके लेकिन बहुत दूर है, ठीक है। दोस्तों फिर से आ गया था डिलीवर मारने के लिए लोकेशन पे, ठीक है चलते हैं अभी आगे। भैया ओ भैया
अरे यार, गेट खुला हुआ है और डॉगी भी बाहर निकल गया है और ये भौंक रहा है। ठीक है, मैं गेट को खटखटाऊंगा कि भौंकना स्टार्ट कर देता है। और एक डॉगी आ रहा है दौड़ते हुए इसी घर का, काट उठ दिया तो भारी दिक्कत हो जाएगा। भैया, ओ भैया, मेन चीज़ क्या है, नंबर भी ब्लॉक करके रख दिए हैं। ठीक है, गेट खुला छोड़ दें, ये फिर से आ गया। चलो चलो चलो, अंदर तो जाओ, कम से कम खटखटाऊंगा यार। चलो चलो, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर चलो 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 अंदर जाओ यार, जो काट देता है ना, मेन दिक्कत है ये। चलो 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 भैया, ओ भैया, डरो लग रहा है। ठीक है, दोबारा आया हूँ, एक बार आया मैं, सोचा कि इन लोग अंदर चला गया होगा, लेकिन इन लोग गए नहीं अंदर। भैया, ओ भैया, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। भाई, दो डॉगी है और एक आ गया है। भैया, कुछ मत करना यार, आज डॉगियों के बीच में घेर चुका हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। काट कुटा दिया तो फिर हो गया, सुन ही नहीं रहे। बुलाओ, भौको तुम लोग। ओ भैया, दोबारा कभी नहीं आऊँगा यार इस घर में, जब भी आता हूँ ऐसे मेरे को इंतज़ार करना पड़ता है, ना कॉल उठाएंगे ना रिसीव करेंगे, ऊपर से नंबर भी ब्लॉक करके रख दिए। तो भाई, इस घर का एक पार्सल है। ठीक है, इस घर का क्या नाम है बता रहा हूँ। ठीक है, नाम है माइला कट्टू, मतलब मद्रासी जी का घर है, माइला कट्टू हाउस का नाम। प्रीपेड पार्सल, कांच का कुछ सामान होगा। अभी मात्र 16 पार्सल बचा हुआ है। ठीक है, मारते हैं फटाफट डिलीवर। तो भाई, जॉनसन बेबी क्रीम देने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रीपेड पार्सल है। चार सौ चार नंबर। सुबह भी इस घर में आया था पार्सल लेकर, उस टाइम कॉल नहीं उठाए थे, अभी कॉल उठा लिए हैं तो लेकर आ गया हूँ पार्सल। ठीक है, कस्टमर बोले कि पानी टंकी है, वहीं पर खड़े रहिएगा, अब देखता हूँ कितने टाइम तक आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्सल देने के बाद सीधा ऑफिस जाऊँगा। हालांकि ये वाला पार्सल में कस्टमर कॉल ही नहीं रिसीव नहीं किए, ब्लॉक कर दिए थे नंबर, नंबर भी नहीं मिला। डॉगी भाई साहब किधर जा रहे हैं, और एक जगह गया था पार्सल देने, वहाँ पर तीन तीन डॉगी। भैया, आप ही का पार्सल है? अच्छा, चलिए दोस्तों, पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, लास्ट पार्सल जो है ना उसको देते हुए चला जाऊँगा। हालांकि प्रीपेड पार्सल है, बड़ा सा था इसलिए सुबह लेके जा नहीं पाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी फटाक से, कुछ भाई लोग भी आ चुका है, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, तो भाई बड़ा वाला पार्सल जो है ना वो दे दिया हूँ, सीधा भी घर पहुँचने ही वाला हूँ। ठीक है, हाँ, नहीं खाऊंगा करेला, मछली बनाया ना। हाँ, वाह, क्या चीज़ से बनाया है? लाल भाजी से। चलो निकालो जल्दी से, भूख लगा है बहुत जोर से। भाई घर आ गया था, हाथ पर धो के अभी खाना खा लेता हूँ फटाक से। यहाँ पे कौन सा मीटिंग चल रहा है? तो भाई, एक अच्छा सा साउथ वाला मूवी लगा लिया हूँ और खाना खा रहे हैं हम लोग दोनों साथ में। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ खाना खा लिया करना, मेरा इंतज़ार करती है, जब मैं काम से आऊँगा उसके बाद ही खाऊंगा। रोज़ मेरा लेट हो जाता है, ये भी भूखी रहती है। कसम दे के मेरे को ना करेला वाला सब्जी से खिलाइए खाना। जबकि मैं करेला खाता नहीं।
भाई जरा मछली कोने तक आ चुका हूँ और कोने से नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आसमान मस्त, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहाड़ भी है और बीच में तालाब, और इधर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसमें पूरा मतलब धान लग चुका है, पूरा हरा भरा, वो आगे से लेके जहाँ तक आपको दिखाई देगा सब जगह मतलब कि धान रोपा लग चुका है भाई। जब यहाँ पे पूरा जो पकेगा उस टाइम भी एक जैसा लगता है, और अभी भी देख ही सकते हैं चारों तरफ से मस्त पूरा हरा भरा लग रहा है, ठीक है। चलो चिकन बनाओ, तो भाई रात हो चुकी है, ठीक है, और चल रहा है मेरा वीडियो, हालांकि लोडिंग ले रहा है मॉल वाला, और घर पे बन रहा है चिकन। कुछ दिन से लगातार हम कैसे में कुछ ना कुछ बन ही रहा है ना। ओ भाई अच्छा अच्छा पीस लाना, टंगरी कलेजी मत देखो, तुमको एक भी नहीं मिलेगा। अच्छा बनाओ जल्दी, मामा जी आए हुए हैं बाहर और यहाँ पर चल रहा है मेरा वीडियो। एवरेस्ट देखो ना कहाँ पे, नहीं हुआ तो लॉन्ग इलायची पीस को देखो भाई, मेरा लेग पीस देख सकते हैं बड़ा वाला। ये हमने दिए तो ना खाने दिए तो ना, एवरेस्ट डाले तो बॉडी वर्क से एवरेस्ट डालने के बाद ही मतलब कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। ऐ का सही है, पूरा डाल दो, तो छोटा छोटा पैकेट भी है ना ला के रखना पड़ेगा इस पास वाला। मुँह में पानी आ गया है क्या? नहीं आया है। चलिए दोस्तों फ्राई हो चुका है चिकन, ये दो पीस ट्राई करते हैं। ये रहा चर्बी वाला पीस, ठीक है ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों बन गया चिकन, ये रहा मेरा लेग पीस गर्मा गर्म। चलिए दोस्तों खाना पीना खा लिए हैं, ठीक है, और मम्मी पापा और सृष्टि खा ही रही है अभी तक, मैं जल्दी जल्दी खा लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करते हैं, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।